कोटड़ा के सीएससी पर मरीज कहराता रहा, परिवारजन परेशान होते रहे, दो घंटे से भी नहीं मिली एम्बुलेंस, परिवारजन परेशान, कभी बेकरिया से तो कभी मामेर से एम्बुलेंस आने की बात विभाग के कर्मचारी कहते रहे, देर दो ढाई घंटे के बाद पहुंची एम्बुलेंस। दो घंटे के बाद पहुंची एम्बुलेंस से उसे किया उदयपुर रेफर, परिवारजन हुए चिंतातुर, कोटड़ा से भी नहीं मिल पाया कोई साधन। हो गई ना दवाखाने वाला, हो गई रेफर कर दिया सर, ये तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही, बेकरी वाला कह रहे हैं कि मामर से आएगा। क्या हुआ, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही। कितना टाइम हो गया, 8 बजे का ही आया वो, 8 बजे का है। हाँ तो हमने एक साथ फोन किया, तो बेकरी वाला कह रहे हैं कि मामर से आएगा ये, और मामर वाला वहाँ से निकल के आएंगे, फोन किया 1 घंटा पर हो गया। अच्छा तो इसको प्रॉब्लम क्या है, पत्थर में घुस गया सर, इतना सा हेड इंजरी है। तो उसको तो तत्काल पहुंचाना जरूरी है। हाँ, क्या नाम है आपका सर? मेरे कमलेश नाम है सर, कमलेश। एम्बुलेंस है या नहीं है अपने यहाँ पर? यहाँ पे सर एक है तो वो एक्सीडेंट हुआ है, वो पड़ी एमएनसी में पड़ी हुई वो, और एक कोरोना में लगा रखी है, तो यहाँ पे है नहीं है। तो हमने बेकरिया फोन, मतलब 108 पे लगे, बेकरिया वाले कह रहे हैं हम आ रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद फोन आया मामेर से गाड़ी आ रही है, तो 2 घंटे से ऊपर हो गए। अभी तो कोई वाहन की व्यवस्था हुई नहीं, वहाँ से कह रहे हैं कि 1 घंटा पर हो गया निकल गए मामेर से, तो अभी तो यहाँ आई नहीं। मैंने मामेर भी फोन लगाया तो कह रहे हैं 1 घंटा पर हो गया, घंटे वहाँ 27 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारे भैया ये रुपुर ले जाना है, एम्बुलेंस आती नहीं है, यहाँ पर अभी क्या है जो प्रॉब्लम, मर भी जा सकता है, तो 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। हाँ तो जी कोई एम्बुलेंस कोई नहीं आते, वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ से आते, वहाँ से तो फिर साहब को मैं पूछता हूँ तो वो कोई नहीं आते जैसे, तब इसको क्या करेगा है? मनसी बानू बाबू थर बाय। हाँ मेरा बाबू जाति खराड़ी।